हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 21 अक्टूबर को होनी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने गुटबाजी से निपटने के लिए संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी हाईकमान ने राज्य कांग्रेस की कमान अशोक तंवर के हाथों से लेकर कुमारी शैलजा को दे दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा के सामने विधानसभा चुनाव में न सिर्फ पार्टी को वापस सत्ता में लाने की चुनौती है, बल्कि उन्हें पार्टी की गुटबाजी से निपटना भी है। कुमारी शैलजा का जन्म साल 1962 में हुआ था। शैलजा के पिता दलबीर सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। दलबीर सिंह 4 बार हरियाणा के सिरसा से सांसद चुने गए थे। साल 1990 में शैलजा ने राजनीतिक करियर का आगाज किया। साल 1990 में कुमारी शैलजा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। साल 1991 में कुमारी शैलजा को सिरसा से लोकसभा का टिकट मिला। अपने पहले ही चुनाव में कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज की और उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बनाया गया। साल 1996 आया, लोकसभा चुनाव में भी कुमारी शैलजा सिरसा से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहीं। साल 2004 में कुमारी शैलजा ने सिरसा की बजाय अम्बाला से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल की। इसके बाद कुमारी शैलजा को मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2009 में भी कुमारी शैलजा अम्बाला से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहीं और यूपीए 2 में सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद मिला। इसके बाद कुमारी शैलजा को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रतन लाल कटारिया के सामने अम्बाला से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उन्हें हरियाणा से राज्यसभा भेजा गया। कुमारी शैलजा ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक बार फिर से रतन लाल कटारिया ने उन्हें मात दे दी। कुमारी शैलजा को गांधी परिवार का नजदीकी समझा जाता है। संसद में भी अक्सर कुमारी शैलजा सोनिया गांधी के साथ दिखाई देती हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुड्डा की मांग को मानते हुए पार्टी हाईकमान ने अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया। चूंकि हरियाणा में दलित वोटर्स की संख्या करीब 20% है, इसलिए कुमारी शैलजा को राज्य कांग्रेस की कमान दी गई। हरियाणा कांग्रेस इस वक्त हुड्डा के अलावा कुलदीप विश्नोई, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और अशोक तंवर के खेमों में बटी हुई है। कुमारी शैलजा के सामने पार्टी को इस गुटबाजी से बाहर निकालने की भी चुनौती है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।